और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ अन्य खबरों का जिक्र करते हैं। सावित्री ठाकुर से मिले हैं सीएम मोहन यादव। सीएम ने धार सांसद सावित्री ठाकुर को बधाई दी। मध्य प्रदेश भवन में मुलाकात हुई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिलने की बधाई दी गई है। तो बता दें आपको, लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि किसी महिला को मौका मिल सकता है मंत्रिमंडल में, मोदी कैबिनेट में, और अब ये जो है नाम सामने आया है, सावित्री ठाकुर को जगह दी गई है। मध्य प्रदेश भवन में मुलाकात सीएम ने की है, केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दी गई है सावित्री को, और इसी पर बधाई सीएम साहब देने के लिए पहुंचे। ये गुलदस्ता उन्हें देकर के बधाई उनके द्वारा दी गई। तो मोदी कैबिनेट का विस्तार और प्रधानमंत्री पद की शपथ आज होने जा रही है, और उससे पहले जिन जिन के पास फोन गया, जो जो मोदी कैबिनेट में शामिल होने वाले हैं, उनके नाम हम आपको लगातार बता रहे हैं। लगातार ये नाम आगे चल रहा था और ये कहा जा रहा था कि मध्य प्रदेश से एक महिला मंत्री बनाई जाएंगी, केंद्र में भेजी जाएंगी, मोदी कैबिनेट में शामिल होंगी, और सावित्री ठाकुर का नाम आया और अब उन्हें बधाई देने के लिए सीएम साहब पहुंचे। तो वहीं छत्तीसगढ़ का जिक्र करें, शपथ ग्रहण समारोह के लिए रवाना हो चुके हैं तोखन साहू। छत्तीसगढ़ भवन से रवाना हुए, शपथ ग्रहण समारोह के लिए रवाना हो चुके हैं। बिलासपुर से सांसद हैं तोखन साहू, पहली बार सांसद बने हैं, और अब जब उन्हें फोन आया तो खुशी का ठिकाना उनका भी नहीं था, ना उनके परिवार का था। बड़ी खुशी, और उसके बाद अब वो रवाना हो चुके हैं छत्तीसगढ़ से, चूंकि शपथ आज होने वाली है, उन्हें फोन पहुंचा है और अब वो रवाना हो चुके हैं। बेहद ही सरल सहज नेता किसान हैं तोखन साहू, और पहली बार सांसद बने हैं, अब मंत्रिमंडल में भी उन्हें जगह दी जा रही है। इसी से पहले तोखन साहू रवाना हो चुके हैं, आज शपथ ग्रहण होने जा रहा है, और उससे पहले दिग्गज सभी रवाना हो रहे हैं। तोखन साहू भी रवाने हो चुके हैं, छत्तीसगढ़ भवन से रवाना हुए हैं, और वहीं की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। तोखन साहू पहली बार सांसद बने हैं, खुशी उनके अंदर भी, उनके परिवार के अंदर भी। जब उनसे बात की गई तो उनका परिवार भी बहुत ज्यादा खुश नजर आया। मोदी सरकार का शपथ ग्रहण आज शाम 7:15 बजे होगा। नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे, तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे मोदी। मोदी के साथ ही मंत्री भी शपथ लेंगे। राष्ट्रपति भवन में यह भव्य समारोह होने जा रहा है। तो आज शपथ ग्रहण समारोह, तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ मोदी लेने वाले हैं, उसी को लेकर के तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। बस कुछ समय का और इंतजार करना होगा, 7:15 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। बेहद खास तैयारियां इसके लिए की गई हैं। तीसरी बार नरेंद्र मोदी शपथ लेने जा रहे हैं। बता दें कई अतिथि शामिल होने के लिए दिल्ली भी पहुंच चुके हैं। बेहद खास आज का कार्यक्रम यह होगा। राष्ट्रपति भवन में तैयारियां जो हैं अंतिम दौर में हैं। 7:15 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो कुछ समय का और इंतजार करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, तीसरी बार का कार्यकाल की उनकी शुरुआत होने जा रही है। बेहद खास आज का दिन, खूब सारी तैयारियां, बाहर से मेहमान आ चुके हैं और दिल्ली पहुंच चुके हैं, वो भी शामिल होंगे। साथ ही साथ जो जो मंत्री बनाए जाने हैं उनके पास भी फोन पहुंच चुका है, उनके भी पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। बाहर से जो मेहमान आए हुए हैं अलग अलग देशों से, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वो भी पहुंच चुके हैं दिल्ली। 7:15 बजे कार्यक्रम और सभी की मौजूदगी होगी जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे तीसरी बार। और इसी के साथ ही यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए।